गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए कृषि एवं सरकारी विभाग की योजनाओं के अंतर्गत लगाया गया मेला शनिवार को संपन्न हो गया। मेले के पांचवें और आखिरी दिन शाम को साड़ी और गर्म कपड़ों के सभी स्टॉलों पर कम दामों पर दुकानदार आवाज लगाकर अपने सामानों को बेचते नजर आए। इस संबंध में दुकानदारों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हमें मुहैया कराई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए अपने स्टॉल के ऊपर हमें बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और इससे हमारी आजीविका चलाना और आसान हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टॉल लगाने वाले दुकानदारों ने कहा, बहुत सुपर हिट मिला गया आप लोगों का। ये केवल 100 रुपए की साड़ी, केवल 100 रुपए, ओनली 100 रुपए। आइए आइए, 100 रुपए में साड़ी है, 100 रुपए में। ये 100 रुपया, ये जितना, ये इसमें बटन तो है नहीं। जितेंद्र, ये गोरखपुर महोत्सव में हम लगाए हुए हैं। कितने दिन से स्टॉल लगा है? 5 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। किस चीज़ का स्टॉल है? टेराकोटा। तो क्या रिस्पांस रहा यहाँ 5 दिन के? ठीक ठाक ही रहा। क्या कुछ खास रहा इस बार टेराकोटा को लेके महोत्सव में? टेराकोटा जो है, पहले जो इतना प्रचार नहीं था, तो इस समय प्रचार है, तो अब ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है। कितनी की बिक्री की होगी आप कुछ बता सकते हैं? जी जी, लगभग हमारा 25,000 के करीब में। क्या कहना चाहेंगे कि आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जय गौतम। बहुत मौसम अच्छा सेल हुआ है हम लोग का, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो
ये प्रोग्राम लगा हुआ है, इसे अच्छा सेल होता है हर साल। मतलब इसके पहले यूनिवर्सिटी में लगा था, उसमें बढ़िया से आ गया था, उससे बढ़िया बेहतर ये गया है तारामंडल में। कितने दिन हो गए आपको स्टॉल लगाए? आज पांचवा दिन है सर, पाँच दिन प्रोग्राम हो गया। किस चीज़ का स्टॉल लगाया? तेरा कोटा। क्या है तो बढ़िया रिस्पॉन्स किया है, हम लोग का सेल अच्छा हुआ है प्रोग्राम से। हर साल ऐसे प्रोग्राम लगता रहेगा तो हम लोग का बढ़िया इसे चलेगा प्रोग्राम। आपको लगता है कि अब टेराकोटा की डिमांड आ गई? जी, टेराकोटा का डिमांड बढ़िया चल रहा है इसे। मोहम्मद दानिश नाम है, कलकत्ता। रिस्पांस दो दिन तो बहुत अच्छा रहा, फिर दूसरे दिन का जो समापन लिख दिया था उस हिसाब से पब्लिक थोड़ा डाउन हो गया है। जी हाँ, बाकी काम तो अच्छा है, ठीक है, पब्लिक भी अच्छा आ रहा है, ख़रीदार भी अच्छा है, और हर बार हम लोग आते हैं तो इस तरह से पब्लिक भी हम लोगों को साड़ी लेने के लिए हर बार आता है, और अच्छे कस्टमर भी आते हैं, और हमारे पास प्योर कॉटन का कलकत्ते का जो प्रोडक्ट है वो हम अपना लेके आते हैं, तो उस चक्कर में लोग और भी ज़्यादा आते हैं हमारे से साड़ी लेने के लिए। कितने दिन से आपका स्टॉल लगा हुआ है? ये 12 तारीख से लगा हुआ है स्टॉल हमारा, और आज लास्ट है, आज बस जो भी है सस्ता करके हम लोग बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट के साथ बेच के ख़त्म कर रहे हैं माल। क्या रिस्पॉन्स है आपके? रिस्पॉन्स दो दिन तो ठीक रहा, उसके बाद तो समापन के बाद जो है थोड़ा हल्का हो गया, और ठंड की वजह से भी कुछ कस्टमर आ नहीं पा रहा है, पब्लिक आ नहीं पा रही यहाँ पे, इस चक्कर में थोड़ा काम डाउन हो गया है। दिग्विजय से आए हैं सर, ये हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है ये गर्म कपड़े का, मशीन लगा के खुद समूह की महिलाएं बनाती हैं इसको। हाँ बस, इसके लिए आप लोग सरकारी फंडिंग मिलती है? हाँ, सरकारी फंडिंग है समूह द्वारा, जैसे CLF से हमको 1.5 लाख का मतलब फंडिंग हुआ है, और उससे हम मशीन लगाए हुए हैं और माल बना करके मार्केट में लाए हुए हैं, देख लीजिए जो कि सामने है। कितने दिन से स्टॉल लगा हुआ है उसका रिस्पॉन्स? ये 12 तारीख से स्टॉल लगा हुआ है, 16 तक आज लास्ट डेट है, बस बिक्री ठीक है, जो भी है मीडियम में ठीक है, जैसे भी है हम लोग संतुष्ट हैं। अगर देखा जाए तो अपने यहाँ का उत्पाद को लोग पसंद भी कर रहे हैं, और अच्छा भी है, सस्ता भी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोकल लोगों को ये सब लोकल चीज़ों को ख़रीदारी करना चाहिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेट होंगे और उससे बढ़ावा मिलेगा और एक विकास होने का चांस है। अगर लोकल चीज़ों को लोग अगर पसंद करेंगे तो, नहीं तो अगर मॉडलिंग चीज़ों को ज़्यादा अगर पसंद करते हुए चाइना वगैरह का सामान लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? महबूब कानपुर जी, साड़ी लगाए हुए हम लोग, ये कानपुर से आए हुए हैं, और बहुत अच्छा ही मेला लगा यहाँ का, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों का यहाँ पे, और सबसे अच्छा योगी जी के मैं शहर में आया, हमें बहुत पसंद है, मैं पहली बार आया लाइफ में, सुना था गोरखपुर पर आज देखा, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शहर है आपका, ये बहुत खूबसूरत शहर लगा हमको, और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे। ये साड़ी का है प्रोजेक्ट, ये हम लोग फुटकर साड़ी ला के यहाँ बेचते हैं, और बहुत सस्ती भी बेचते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और बहुत अच्छा सब कुछ चला है, सब कुछ बहुत बढ़िया से रहा है, कोई तरह की कोई कठिनाई नहीं, कोई तरह की कोई परेशानी नहीं, सारे काम बहुत अच्छे से हुए हैं। मेरा प्रेम शंकर है सर, प्रेम बोलते हैं मुझे, प्रेम कुमार, मैं राजस्थान से आया हूँ सर, राजस्थान दौसा जिला मेहंदीपुर बालाजी। मैं ये गोरखपुर महोत्सव लगता है, इसमें पिछली बार भी आया था, और मतलब हर बार आता रहता हूँ मैं। ये राजस्थानी स्टॉल है, राजस्थानी खाना लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ के लोग राजस्थानी खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारी राजस्थानी खाने की जो स्टॉल है इसमें फेमस चूरमा दाल बाटी है, प्याज की कचौरी है, मूंग दाल हलवा है, दाल कचौरी है, मावा कचौरी है, मिर्च का पकौड़ा है, जोधपुरी फेमस है, लोग खूब पसंद करते हैं यहाँ पर। क्या रिस्पॉन्स मिला है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पिछली बार भी अच्छा मिला था, और अब की बार तो ग्राउंड चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यहाँ पर। ठंड का जो मौसम था तो कुछ नुकसान मिला या? देखो फर्स्ट दिन दो दिन तो बहुत अच्छा चला था, अब ये दो लास्ट के दो दिन है इसमें थोड़ा ठंड की वजह से पब्लिक थोड़ा कम आ रही है, बाकी अच्छा रहा है हमारा।